हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों रीजनिंग का, जो आपका यहाँ पर है एनालॉजी दोस्तों, अर्थात सादृश्यता। और यहाँ पर देखिए, प्रारंभ करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज ही मिलती है नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं, इतना से आप देखिएगा दोस्तों क्वेश्चनों को। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एनालॉजी के दो तीन क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्जाम में आपके रीजनिंग में आते हैं, तो आप इनको तैयार कर लेंगे बहुत ही आसानी से, आपको बताएंगे दोस्तों हम पूरा वीडियो आप देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों हम, सादृश्यता होती क्या है। सादृश्यता का मतलब दोस्तों आपकी समानता, सिमिलैरिटी, जो आपकी देखने के आधार पर होगी दोस्तों, अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सादृश्यता के अंदर दोस्तों तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए पहला टाइप आपका जो आएगा दोस्तों वो आपका आएगा हिंदी शब्द सादृश्यता, अर्थात हिंदी शब्दों के आधार पर समानताएं। और दूसरा आपका आएगा अंग्रेजी अक्षर के आधार पर सादृश्यता। और तीसरा आपका आएगा दोस्तों संख्या के आधार पर सादृश्यता। अब यहाँ पर देखिए सभी को दोस्तों हम सिमल्टेनियस अलग अलग पढ़ेंगे दोस्तों। पहला आपका आता है यहाँ पर हिंदी शब्द सादृश्यता। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पर दिए गए शब्दों वस्तुओं के संबंधों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करना होता है। अर्थात दोस्तों आपको क्या निकालना पड़ता है, दिए गए शब्दों में प्रॉपर एक रिलेशन जो आपका होता है शब्दों में संबंध होगा। जैसा कि आपका एग्जांपल देखिए, बिल्ली का संबंध म्याऊं, तो शेर का संबंध। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो संबंध आपका यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही बिल्कुल यहाँ भी आपको निकालना पड़ता है, ये आपकी कंडीशन रहती है। अब देखिए बिल्ली दोस्तों म्याऊं करती है तो क्या है ये, बिल्ली की दोस्तों आवाज़ है, साउंड है, तो वैसे ही आपको शेर की आवाज़ बतानी है, साउंड बतानी है, तो रेंकना होगा, हिनहिनाना होगा, या फुफकारना होगा, या गर्जना होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा गर्जना, तो ऑप्शन नंबर आप इजीली डी वाला टिक कर देंगे। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गाय का संबंध बछड़ा। देखिए गाय का बछड़ा क्या होता है दोस्तों, बच्चा होता है, तो वैसे ही आपका शेर का संबंध बताना है आपको, तो शेर का बच्चा क्या होगा दोस्तों, पिल्ला होगा, शेरू होगा, शावक होगा, या चूजा होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा शावक। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, तभी आप सही कर पाएंगे। अगला वैसे ही देखिए, कपड़ा का संबंध यहाँ पर मिल, तो समाचार पत्र का संबंध। दोस्तों यहाँ पर देखिए कपड़ा मिल में क्या संबंध है, दोस्तों कपड़ा आपका मिल में बनता है, अर्थात ये बनता है, यहाँ पर निर्माण होता है। वैसे ही आपका समाचार पत्र कहाँ पर छपता है, ये आपका दोस्तों कारखाना, प्रेस, टीवी, समाचार पत्र, समाचार, ये दोस्तों आपके यहाँ पर प्रेस में छपता है, तो ऑप्शन नंबर आप बी वाला इजिली टिक कर देंगे। तो आपको जो संबंध यहाँ पर निकला है दोस्तों, वही संबंध आपको इनमें निकालना पड़ता है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा प्रकार हम देखते हैं अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर सादृश्यता। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है दोस्तों, वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट के आधार पर, अक्षरों के समूहों के आधार पर दोस्तों आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला पहले मुख्य तौर पर आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, उनके संगत संख्याएं भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर टेबल बनाई है दोस्तों, आप देखेंगे अंग्रेजी के अक्षर हैं और ये संगत संख्याएं, तो ये हमेशा आपको दोस्तों आप यहाँ पर जब भी एग्जाम में जाएंगे तो आप रफ में आपको समय जब मिलता है शुरुआत में तो वहाँ पर आप नोट कर लेंगे दोस्तों, और उनके नंबर के क्रम आप रख लेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए दिमाग में, वहाँ पर आपको करने को समय नहीं मिलेगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो इनके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और वैसे ही आप यहाँ पर एन ओ पी क्यू आर एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इनके संगत नंबर होगी दोस्तों आपका, वैसे आप नंबर लिख देंगे तो 26 आपके होते हैं, आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कभी इनमें क्या होगा, एक का गैपिंग होगा, कभी दो का गैपिंग होगा, कभी आपका तीन का गैपिंग होगा, कभी कभी दोस्तों आपका क्या होता है अपोजिट भी होता है, एक का अपोजिट आपको जेड दिया होगा, वैसे आपका बी का अपोजिट आपका होगा वाई, और सी का अपोजिट आपका होगा एक्स, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के दोस्तों आपको रिलेशन दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इनके आधार पर भी एग्जाम्पल को देखते हैं, आपको पता लगेगा। देखिए पहला आपका यहाँ पर दिया है ए सी ई जी, और यहाँ पर दिया आपको बी डी एफ एच, और वैसे ही आपको बताना है सी ई जी आई क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ए के बाद आपका बी आता है, और सी के बाद आपका डी आता है, ई के बाद आपका एफ आता है, जी के बाद आपका एच आता है, तो बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ भी देख लेंगे, सी के बाद आपका डी आएगा, ई के बाद आपका एफ आएगा, जी के बाद आपका एच आएगा, आई के बाद आपका जे आएगा। तो दोस्तों आपने इजीली यहाँ पर निकाल दिया डी एफ एच जे, तो आपका यहाँ पर कौन सा दिखता है, ए वाला आपका दिखता है, तो आप ए वाला टिक कर देंगे।
अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला एक और देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिया है एन यू एम बी ई आर नंबर, और फिर यहाँ पर आपको दिया है यू एन बी एम आर ई, और वैसे ही आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों जी एच ओ एच टी एस, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपके नंबरों के केवल आपके जो आपके अक्षर हैं इनके केवल क्रम बदले गए हैं। देखिए तो आप क्या करेंगे, एन का नंबर 1 है, यू का नंबर 2 है, फिर आपका एम का नंबर 3 है, बी का नंबर 4 है, और ये आपका 5 है, और ये आपका 6 है। अब देखिए इनके नंबर क्रम क्या क्या बना दिए गए, यू आपका पहले पर आ गया, यू क्या था दोस्तों आपका दूसरा था, तो 2 पहला हो गया, फिर आपका एन, एन आपका पहला था तो ये आपका यहाँ पर आ गया, फिर बी, बी आपका क्या था, बी आपका दोस्तों चौथा था, और वैसे ही आपका फिर एम, एम दोस्तों आपका क्या था, एम आपका तीसरा था। तो यहाँ तक भी आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपका आंसर क्या होगा, 2 1, देखिए 2 यहाँ पर क्या है एच, फिर आपका 1 आपका जी आएगा, फिर आपका 4, 4 पर आपका दोस्तों एस है, फिर आपका 3, 3 पर आपका क्या है ओ है। तो यहाँ पर से आपको पता लग जाएगा एच जी एस ओ, यहाँ पर देखिए आपका एक ही देखता है एच जी एस ओ, फिर आपका एस टी आपका आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी वाला सही हो गया। तो इस तरह इस प्रकार से आप निकाल लेंगे इजीली आपका क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने देख लिए दो प्रकार के देख लिए, तीसरा प्रकार देखते हैं दोस्तों हम संख्या सादृश्यता, जो आपके संख्या के आधार पर दोस्तों नंबरों के आधार पर सादृश्यता के क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें क्या आता है देखिए, अंकों के क्रम, अंकों के वर्गों के क्रम, अभाज्य संख्याओं के क्रम आदि संख्याओं के विभिन्न गुणों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके संख्याओं में बहुत सारे गुण आते हैं, तो यहाँ पर आपके बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लीजिए आपने वर्गों के आधार पर कर दिया, क्यूबों के आधार पर कर दिया, या फिर आपने गुणा के आधार पर कर दिया, भाग के आधार पर कर दिया, या अभाज्य के आधार पर आपने कर दिया, या भाज्य के आधार पर कर दिया, तो बहुत सारे गुणों को आपको देखना पड़ता है। तो ये दोस्तों आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक ठीक ठाक होगी तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे इनको। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के आधार पर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 6 के बाद 38 और फिर यहाँ पर आपका 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, आपको वैसे ही संबंध निकालना है पहले। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप 6 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि आपने बिल्कुल यही रिलेशन यहाँ भी लगाना है। तो ये आपका दोस्तों आएगा 16 प्लस 2 बराबर 18, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 15 35, तो बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों आपको इनमें से आपको समूह चेक करना है क्या होगा। पहले आपको इनमें रिलेशन निकालना पड़ेगा दोस्तों, देखिए 5 के बाद आपका 15 आएगा, कैसे आएगा, 5 गुणा 2 करेंगे आप दोस्तों धन 5, वैसे ही आप देखते हैं दोस्तों 35 आता है, गुणा 2 किया आपने धन 5, अर्थात दोस्तों गुणा 2 धन 5 आपका संबंध निकल के आ गया। तो ये आपका जहां भी अप्लाई होगा वहां आप टिक कर देंगे, यहां देखते हैं आप नहीं होता अप्लाई, यहां देखिए 4 2 8 और 5 यहाँ भी अप्लाई नहीं हुआ, और यहाँ पर देखिए 8 2 16 यहाँ भी अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए 10 2 20 और 5 25 दोस्तों यहाँ पर आपका अप्लाई हो गया, और यहाँ भी देखिए 50 और 5 55 यहाँ भी अप्लाई हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इनको आसानी से देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं जो आपके बेहद महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। देखिए आपका पहला क्या है दोस्तों, जिस प्रकार लाल झंडा खतरे का प्रतीक होता है वैसे ही काला झंडा होता है। दोस्तों काले झंडे का मतलब क्या होता है, प्रगति होता है, शांति होता है, विरोध होता है, मजबूती होता है। काले झंडे का मतलब दोस्तों विरोध, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, पॉलीएंटोलॉजी का संबंध यहाँ पर जीवाश्म से है तो जूलॉजी का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी सामान्य ज्ञान भी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे इनको। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पैलियंटोलॉजी में आपका जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, स्टडी की जाती है, तो वैसे आपका जूलॉजी में किनका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों, जीव जंतुओं का, बीमारी का, ईंधन का, या फिर मिट्टी का। इसमें दोस्तों आपका जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीग्रो का संबंध अफ्रीका से है तो रेड इंडियन का संबंध किससे होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, नीग्रो जो है अफ्रीका में रहने वाली एक जनजाति है दोस्तों, वैसे ही आपका रेड इंडियन भी एक जनजाति है दोस्तों, कहाँ रहने वाली, रूस में, श्रीलंका में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका में, अमेरिका में रहने वाले जनजाति। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, वृत्त का संबंध परिधि से है तो वर्ग का संबंध किससे होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वृत्त का जो आपका परिधि होती है दोस्तों बाहर की माप होती है, तो वैसे वर्ग के चारों ओर की माप को क्या कहेंगे आप, इसे आप कहेंगे दोस्तों परिमाप,
परिमाप कहें या फिर आप परिमिति कहें, तो यहाँ पर आपका परिमिति लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पाश्चुरीकरण का संबंध लुई पाश्चर से है, तो आपका वायुयान का संबंध किससे होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, पाश्चुरीकरण की जो आपकी खोज की थी लुई पाश्चर ने की थी दोस्तों, तो वायुयान का आविष्कार किसने किया? ये ब्रेकेट होंगे या जेम्स वाट होंगे या राइट ब्रदर्स होंगे या न्यूटन होंगे? ये दोस्तों हो जाएंगे राइट ब्रदर्स दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके एनालॉजी के क्वेश्चन, सादृश्यता के क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे दोस्तों, आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।